चौथा का व्रत, अगर कोई 13 चौथ करे तो हर महीना की बदी की चौथ न कर व्रत पूजा तो कार्तिक की चौथ की ज्याई ही करा है। सिर्फ बाणो चीनी पर निकाल कर कहानी इन दोनों में से कोई भी एक सुना है। चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बाछलियो नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की बारू चौथ करती। बेटो लकड़ी ले आया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेच कर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ का दिन बेटा से ओला बेच कर सामान ले आती और 5 चूरमा का लाडू बनाती। लाडू एक आप खाती और एक बेटा ने खवाती। एक चौथ के दिन बेटो आपके पड़ोसन का गयो, वह भी चूरमो बनाकर रखी थी तो पूछो कि आज के है सो थे चूरमो बनाए हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बनाकर बनावा है और तन आज खाना दियो कि नहीं। बेटो बोलो दियो तो है। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावा जिमा से तेरी माँ ओले बेच कर चूरमो बनावा है। बेटो माँ ने कहो बोलो कि मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो बना बना कर खावा है सो के तू मन छोड़ दे या चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ सो तने तो भले ही छोड़ दूँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ूँ। जना बेटो घर में से जाने लागे तो माँ बोली कि तू जावा है तो चौथ माता को नाम पुर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात पर आपनों के लियो ले लेवांगा। घर से चालो थोड़ी दूर गयो तो देखा तो खून की नदी बहवे, कठिन से रास्तो है कोनी मिलियो। जद आखा पुर का बोलियो कि हे चौथ माता अगर यह नदी सुख का रास्तो हो जावे तो तू साची है, इतना में नदी सूख कर रास्तो होगी। आगे न गए तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग बगेरा बोलने लग गया। जद आखा पुर कर बोलियो कि हे चौथ माता मना रास्तो मिल जावे नहीं तो ये जानवर मना खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गए तो राजा हर महीना एक आदमी की बलि दे तो। एक बुढ़िया माई का घर में गए तो देखा माई पूरा तो पोती जावा है और सागर सागर रोती भी जावा है। जदवा पूछो कि माई रोवा क्यों है। बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटो है सो राजा की बलि न चढ़ना जासी, ये पूरा ऊके लिए ही बनाऊ हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूरा मना पेट भर के खिला दे, मैं तेरा का बेटा के बदले चल जाऊंगा। माई उन्हें पूरा खिला दिया। रात ने सोते समय बोली कि राजा को बुलाओ आवे तो मना उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो। माई सोचने लगी पराए पुत्र ने कहीं बलि चढ़वा दूँ, पर इतना में ही वो उड़ गयो और जाने लगे तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखी है। माई सोची कि आज तक तो कोई भी पाछो को नहीं आयो, यो कि आसी राजा का आदमी उन्हें ले गया और आवा में चिण दियो। जद वो आखा पुर का बोलो हे चौथ माता 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टालिए। इतना में आओ पक्कर तैयार हो गयो। 2-3 दिन बाद आवा कन्ना छोरा खेला था। आवा पर कंकरी मारी तो उमस आवाज होई। छोरा राजा ने जाकर बोला राजा तेरो आवो तो पक गयो। राजा सोचो कि 6 महीना मैं आओ पक तो 3 दिन में ही कहीं पक गयो। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारना लगा तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माय मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमा तो कदे कोई कोनी बोलतो, आज कुन भूत प्रेत दैत्य बोलने लाग्यो। अंदर से बोलिया मैं तो वो ही आदमी हूँ जिन्होंने थे बैठायो थो। अंदर जाकर देखा तो हरे हरे जुआरा उगरा है, आखा पुर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कोयो कि तू कौन है और कहीं बच गयो। वहाँ बोलियो कि मेरी माँ चौथ को व्रत कर है सो मैं तो चौथ माता का प्रभाव से बच गयो। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़, एक घोड़ा पर मैं चढ़ूँगा और तेरा हाथ पर मैं साँखली घाल देवांगा। अगर साँखली खुलकर मेरे पैर में बन जासी तो चौथ माता साँची है, दोनों
घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूर कर बोलो, हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतना में साखली खुलकर राजा का बंदगी। राजा सोचो चौथ माता तो साची है, राजा आपकी बेटी को ब्याह उका सागर कर दियो। वह उठे ही रहने लग गया, बोला सारा दिन हो गया। एक दिन वह आपकी लुगाई ने बोलो कि आज तो हमारा गांव कानी बिजली चमका है। रानी पूछी कि थारा गांव भी है के? बोलो मेरा एक माँ भी है। अब आपा देश चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कियो। उरी ना बुढ़िया माई लकड़ी तो काटी कोनी जाती, गोबर चुन कर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बेटा बहू ना आता देखकर बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन लिया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में तो एक बेटो बहु कठर लिखोड़ा है, एक बेटो थो जीका तो तू लगा सिखा कर काट दियो। अपन अपन जी मान्यो कोनी, और बटोड़ा पर चढ़कर देखा तो साचा ही आवा है बेटा भू। सासू का पगा पड़ गया, बोला मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरा चौथ करियो, तेरा नहीं तो चार, चार नहीं तो दो, तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माइन का बेटा को संकट काटो, जिसो सबको काटियो। कहता सुनता न होकर अभरतन अपना सारा परिवार को काटियो। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।